टू आवर चैनल फ्रॉम कौशल्या। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 18, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है ना। सो ये रहेगा हमारा नया टॉपिक। ठीक है ना, आज हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को। ठीक है, नए टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है ना, अब कौन कौन से हमारे टॉपिक रहेंगे वो देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा एयर पोल्यूशन, फिर सेकंड टॉपिक रहेगा सोर्सेज, लाइक ये किन सोर्सेज से एयर पोल्यूशन होता है, क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जो एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, वो पोल्यूटेंट कौन से होते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मेन तीन टॉपिक रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा एटमोसफेयर है। ठीक है, एटमोसफेयर में गैसेस का क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है, कितना कंपोनेंट्स कैसे है। ठीक है ना, कौन सी गैस कितना परसेंट है, ठीक है, और कौन सी गैस कितना परसेंट है, वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे गैस परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। पहले हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो क्या होती है, उसका परसेंटेज है ना एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है, लाइक कितना होता है, 78% होता है। नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज 78%। वहीं पर जो ऑक्सीजन गैस है, उसका जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में, वो होता है 21%। लाइक एटमॉस्फेयर में 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वहीं पे जो अदर गैसेस में, लाइक कौन सी, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, AR मतलब ऑर्गन, CH4 मतलब मीथेन, और इसके अलावा जो वाटर वेपर्स है, वो सब इतने सारे जो अदर जो गैसेज है, वो कितनी है, 1% है। कितनी है, 1% है। बात समझ आ गई क्या। हमने देखा नाइट्रोजन गैस है वो कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में, वो है 78%। वहीं पे जो ऑक्सीजन गैस है एटमॉस्फेयर में, वो है 21%। वहीं पर जो अदर गैसेस है, जिसमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर वेपर आते हैं, वो कितना परसेंट है, वो है 1%। बात समझ आ गई। ठीक है, सो अभी हमें पहले गैसेस के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, कौन कितना परसेंट है, वो हमने अच्छे से अभी देख लिया। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या होता है, व्हेन एयर इज कॉन्टेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, इट इज रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जब एयर के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंस है, ठीक है ना, अनवांटेड सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो है ना ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, उन दोनों के ऊपर क्या डाल रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं ना, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, जो अनवांटेड जो सब्सटेंस एयर के अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और जिससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है लिविंग और नॉन लिविंग पे, तो वहां पर क्या हो जाती है, एयर क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। बात समझ आएगी। अब हम देखते हैं कि हम बोल रहे हैं कि भाई एयर पोल्यूशन हो जाता है, हार्मफुल जो सब्सटेंस है, अनवांटेड सब्सटेंस है जब एयर में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इनके पहले सोर्सेस क्या है, ये आते कैसे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, तो वो भी हमें क्या है, जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, अब सोर्सेज कैसे, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल सोर्सेज, ठीक है ना, नेचुरली भी कुछ अनवांटेड सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, एयर के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर कुछ होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी क्या आती है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो ये ह्यूमन जो एक्टिविटीज होती है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है एयर को, ठीक है ना, इसी से ह्यूमन एक्टिविटीज से ही एयर में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, पॉल्यूटेंट्स आते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, एक सबसे बड़ा सोर्स है एयर पॉल्यूशन का, ठीक है ना, नेचुरल मतलब जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनसे भी आता है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं, ठीक है ना, और जिससे क्या होती है, एयर पॉल्यूट होती है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। सो अभी हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो हम देखते हैं अब सोर्सेज के बारे में। इसमें हमारा जो पहला सोर्स रहेगा नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्स क्या है, लाइक देखो जंगल में कभी आग लग जाती है, ठीक है ना, उस आग लगने से जो हानिकारक जो हार्मफुल जो गैसेस निकलती है ना, वो क्या करती है, एयर को पोल्यूट करती है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी होता है कि वॉल्केनिक इरप्शन भी होते हैं, ठीक है ना, जो गैस निकलती है ना वॉल्केनिक इरप्शन में, वो जब एयर में मिलती है तो वो क्या होती है, वो गैस क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो एयर में मिलती है तो क्या करती है, लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर क्या डालती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है, ठीक है ना।
तो नेचुरल सोर्सेस जो है वो एयर पोल्यूशन के वो हो गए, एक तो फॉरेस्ट फायर हो गया और एक हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है ना। तो इसको पढ़ के बता दें, स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी है जिसके कारण ये एयर पोल्यूशन होता है। देखो जैसे फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, अब और व्हीकल्स हो गए, ठीक है ना। व्हीकल से बहुत ज्यादा ऐसा मतलब जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं में ऐसी ऐसी गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्रीज हो गई, लाइक बहुत प्रकार की फैक्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या निकलते हैं, केमिकल वेस्ट निकलते हैं, ठीक है ना। जो केमिकल वेस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पानी में डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना, वहीं पर। और उसमें से उस केमिकल वेस्ट निकलता है, साथ साथ में वहां से क्या निकलती है, धुएं भी निकलते हैं। उस धुएं में इतनी ज्यादा गैसेस होती है और इतनी हार्मफुल गैसेस होती है जो एयर को क्या करती है, पॉल्यूटेड करती है, ठीक है ना। अब इसमें देखो कि एक तो फैक्ट्रीज तो है नहीं, मतलब हजारों करोड़ों की संख्या में क्या है, फैक्ट्रीज है, ठीक है ना। सो सोचो उनसे इतना सारा धुआं निकलता है, ठीक है ना, केमिकल वेस्ट निकलता है, तो सोचो उससे कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होता होगा, ठीक है ना। तो ह्यूमन ही है क्या है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, नेचर को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, ह्यूमन का होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, ठीक है ना। जैसे डंग केक्स मतलब जो गोबर के जो उपले हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो लकड़ी है तो उससे उसको जलाते हैं ना, उससे भी क्या निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, ठीक है ना। वो भी क्या करती है, एयर को पॉल्यूट करती है, ठीक है ना। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, बात समझ आ गई। हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, वो सबसे ज्यादा क्या करती है, एयर को पॉल्यूट करती है, बात समझ आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखा कि भाई फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, पावर प्लांट्स हो गए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है ना, व्हीकल्स हो गए, उनसे भी निकलता है धुआं, ठीक है ना। इनसे बहुत सारी गैसेस क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो ये इतनी सारी जो हमने चीजें बताई है, व्हीकल हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, इनसे कौन सी गैसेस निकलती है, ठीक है। और ये गैसेस निकलती है तो उससे लिविंग जो होते हैं ना, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और नॉन लिविंग के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम भी अब बात करेंगे, ठीक है। और पॉल्यूटेंट के बारे में अभी हम बात करेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से, ठीक है ना। हमने इसमें से कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं एयर को, वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो उसमें से एक है व्हीकल से निकलने वाले कौन कौन से गैसेस हैं जो क्या करती है, एयर को पोल्यूट करती है। उसमें से हम देखते हैं, एक तो होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड तीसरी होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, ठीक है ना। तीन गैसेस निकल रही है यहाँ से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा स्मोक मतलब धुआं तो निकलता ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, तीन व्हीकल से कौन कौन सी जब गैसें निकलते हैं, तीन गैसें निकलती है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा विंटर के समय में क्या हो जाता है, कोहरा सा बन जाता है, ठीक है ना। रात के समय में हम देखेंगे कि कोहरा, और सुबह के समय में भी कोहरा हमें देखने को मिलेगा। वो जो कोहरा होता है ना, उसको अब क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मोक। अब स्मोक क्यों बोलते हैं, स्मोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्मोक, ठीक है ना, स्मोक प्लस फॉग से मिलके बना हुआ था, ठीक है ना। कोहरे को तो बोलते हैं फॉग, बट होता क्या है, अब उसको स्मोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्मोक प्लस फॉग से मिला के उसको स्मोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एयर के अंदर इतना ज्यादा स्मोक है कि वो कोहरे के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, ठीक है ना। और जिससे क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है और बिल्कुल ही विजिबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब स्मोक होता है तो विजिबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दिखना क्या हो जाता है वहां पर, विजिबिलिटी दूर मतलब ऐसा होता है कि थोड़ी सी नजदीक में भी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और दूर में तो और भी ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। आप विंटर में इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। जो स्मोक होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है ना। जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वही क्या होते हैं, स्मोक के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं, वो फॉग के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो अदर जो गैसेस होगी, जो एलिमेंट्स हो गए, वो उनको भी क्या कर लेता है, अपने साथ में जोड़ लेता है, और जोड़ के किसका निर्माण करता है, स्मोक का निर्माण करता है, बात समझ आ गई। स्मोक हमें कब दिखेगा, विंटर्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, एक पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा एक है हमारा सीएफसी, सीएफसी मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसका फुल फॉर्म क्या है, सीएफसी का क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये जो सीएफसी जो गैस है, ये कहाँ पर मिलती है, ये जो रेफ्रिजरेटर हो गया,
एसी हो गया, ठीक है ना, एयर कंडीशनर हो गया, इन सब में ये होती है सीएफसी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है ना। अभी अभी जो रेफ्रिजरेटर या जो एयर कंडीशनर है उनमें ये सब अभी यूज नहीं होता सीएफसी, ठीक है ना। पहले होता, जब स्टार्टिंग में जब इनोवेशन हुआ था इसका, ठीक है ना, तब इसका बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है ना, उसके कारण बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आए, ठीक है ना। तो अब इसको गैस को रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर है उसमें यूज करने पे इसको क्या लगा दिया, बैन लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। और एक हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड, बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये जो इतनी सारी गैसेस निकली, इसके अलावा जो टीनी एसेस होते हैं, ठीक है ना, लाइक एक हम बोल सकते हैं जो टीनी एश होते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है ना, बहुत इतने माइक्रो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं, इतने जो टीनी होते हैं, ठीक है, कि वो क्या होते हैं कि जो होता है ना ब्रीदिंग में क्या होती है, जो हमारे ऑक्सीजन है वो क्या जाती है, फिल्टर होके जाती है। बट ये इतने टीनी एस होते हैं कि ये फिल्टर, जब ऑक्सीजन फिल्टर होते हैं उसके साथ ये भी फिल्टर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो हमने देखी पांच चीजें देखी जो मेन इंपॉर्टेंट हो गए, व्हीकल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक के बारे में हमने देख लिया, फॉग प्लस स्मोक से मिलकर बना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड देखा हमने, इसके अलावा सीएफसी देखा, जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन से निकलती है गैसेस, और इसके अलावा हमने टीनी एश देखा, ठीक है ना। टीनी एश क्या है, जो क्या निकलते हैं, छोटे जो पार्टी, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग के द्वारा लंग्स के अंदर जाते हैं और क्या हो जाते हैं, लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बताऊंगी आपको कि ये जो इतने सारे जो पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, इनसे इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है ना, ये क्या इफेक्ट डाल रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो इसमें जो व्हीकल से जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड निकलती है ना, उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या इफेक्ट डालती है, ठीक है ना। वो बहुत हार्मफुल गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर फॉर्मूला पूछो तो क्या होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, ठीक है ना। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है। अब क्या करती है वो, जैसे हमारा जो ब्लड है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर ब्लड है वो कौन लेके जाता है, ठीक है ना, हमारे जो ऑर्गन्स है, ठीक है, और हार्ट है, वहां तक ब्लड कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन, मतलब लेके जाता है ना, ऑर्गन्स तक ब्लड कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, अब हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ के साथ में गैसेस भी जा रही है दूसरी, ठीक है ना, इसमें से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है अगर एयर में होगी तो वो भी हमारे ब्रीथ के द्वारा हमारी बॉडी में जाएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाके आगे पूरी बॉडी में जाए, तो ये जाने के बाद ये करेगी क्या, ये क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है ना, उसके साथ जुड़ने के बाद में वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन होता है ना, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को तो क्या करता है, ऑर्गन्स तक लेके जाता है, बट ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया तो अब बताओ वहां पर ऑक्सीजन को बैठने की जगह क्या मिलेगी, कब मिलेगी, सोचो एक गाड़ी है, 3 सीटर गाड़ी है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन क्या हो गई, एक गाड़ी हो गई, ठीक है ना, उसके अंदर एक जो सीट थी वहां पर कौन बैठ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया, तो बताओ जहां पर पहले 4 लोग बैठ रहे थे वहां पर अब एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्यूपाइड कर लिया, तो बाकी 3 पे ऑक्सीजन बैठेगा, तो बताओ पहले 4 बैठ रहे थे अब 3 ही बैठेंगे, तो कैपेसिटी कम हुई कि नहीं हुई, हुई ना कम, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जो ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। बात समझ आ गई क्या, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है ना, बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मोक के बारे में। स्मोक हमने देखा था, स्मोक प्लस फोग से मिलके बना है, ठीक है। अब ये करता क्या, ये तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी सच एज अस्थमा, ठीक है ना, स्मोक से क्या हो सकता है, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है, कफ हो सकता है, इसके अलावा जो वीजिंग इन चिल्ड्रंस ये देखने को मिला है, ठीक है ना। स्मोक से क्या हो सकता है, कफ हो गया, चिल्ड्रंस में क्या होती है, घबराहट होने लगती है, ठीक है ना, और इसके अलावा अस्थमा जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती है, कि ये किससे हो रही है, स्मोक से हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड वो क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है ना उसको बढ़ाता है, इसके अलावा जो ये क्या करता है, परमानेंटली क्या कर सकता है, लंग्स को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत ज्यादा हार्मफुल है ये भी क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, और इसके अलावा परमानेंटली लंग्स को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये तीनों क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब सीएफसी के बारे में बात करेंगे,
तो ये क्या हार्मफुल इफेक्ट डालती है? देखो हमारा जो अर्थ है, जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था, अर्थ है, अर्थ में एक लेयर किसकी है? ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है? जो सन है, सन से जो यूवी रेज आती है उसको क्या करती है, पृथ्वी की सरफेस पर आने से क्या करती है, रोकने का काम कौन करती है? ओजोन लेयर ही करती है। एक कहते हैं ना प्रोटेक्शन कंबल की तरह है वो, ठीक है, प्रोटेक्टिव कंबल की तरह है, ठीक है। अब अगर क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उस ओजोन, है ना, ओजोन लेयर के अंदर जो यूवी रेज को रोकती है पृथ्वी की, अर्थ की सरफेस पर आने से, ठीक है ना, वो क्या करती है, जो सीएफसी जो गैस है उस ओजोन लेयर को उसके अंदर क्या कर रही है, छेद कर रही है। वो सीएफसी गैस इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि वो ओजोन जो है ना हमारा ओजोन लेयर उसके अंदर क्या कर रही है, होल कर रही है, ठीक है ना, उसने हॉल कर दिया, ठीक है ना, वहां पर बड़े बड़े हॉल हो चुके हैं, जो जो पोल हो ना, पोल पोल के ऊपर क्या हो सके, होल हो चुके हैं, ठीक है ना, वहां पर ओजोन की जो लेयर है ना वहां पर क्या हो चुके, होल हो चुके। अब देखो वहां पर होगा क्या, अब देखो जहां पर होल होगा तो बताओ, अगर मान लो कोई हमने ना एक से सिंपल सा कपड़ा लिया है, ठीक है, अब आप उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करो, डलेगा नहीं डलेगा ना, वहीं पर अगर कोई छेद है उसमें से हाथ डालने की कोशिश करो आपका हाथ चला जाएगा ना। वैसे ही क्या होता है कि इस पूरी ओजोन के ऊपर कोई भी छेद वगैरह नहीं था, तब यूवी रेस नहीं आ पाती। अब क्या हो गया, होल हो गया, होल हो गया सीएफसी के कारण, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसके कारण होल हो गया, तो क्या हो गया, अब वहां पे यूवी रेस मतलब अर्थ की सरफेस तक हमारे तक आराम से पहुंच सकेगी, नहीं पहुंच सकेगी ना, क्योंकि अब वहां पे क्या हो गया, होल हो गया, अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो आराम से हमारे तक पहुंचेगी। अब वो यूवी रेज इतनी हार्मफुल है हमारे लिए कि हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर जब गिरेगी, जो हमारी स्किन है उसके ऊपर गिरेगी, तो वहां पर कौन सा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, उन यूवी रेज के कारण क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, बात समझ आ गई क्या। तो ये हमारे लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, बात समझ आ गई, स्किन कैंसर को क्या कर सकती है, बढ़ावा देता है, ठीक है ना, यूवी रेस से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। सो इसको इसीलिए इसको बैन किया गया, क्योंकि ये क्या कर रही थी, ओजोन लेयर में क्या कर रही थी, बहुत बड़ा क्या बना दिया इसने, छेद बना दिया, ठीक है। अब उसको क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह, उसको बंद करने का या फिर उसको कम करने का क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिटर्न में लिखवा देती हूँ, उसकी जो इफेक्ट है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो इट डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इसके अलावा ओजोन लेयर है क्या, ये आपको बता देती हूँ। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन, सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है उसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यूवी रेज कॉजेस स्किन कैंसर इन ह्यूमन, ठीक है। सो ये हमने आपको पॉल्यूटेंट्स के बारे में बता दिया। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो ताजमहल है, ठीक है, वो येलोइश क्यों होने लगा है, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।